हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। विधानसभा चुनाव में प्रजापत समाज ने मांगी 18 सीटें। आगामी दिसंबर में होने वाले राजस्थान विधानसभा चुनाव के दौरान जहां कांग्रेस और भाजपा के पदाधिकारी बहुमत हासिल करके अपनी सरकार बनाने में जुटे हुए हैं, वहीं प्रदेश के जनसंख्या में जाति बल रखने वाले समाज को टिकट नहीं तो समर्थन नहीं की घोषणाओं का दौर भी चल रहा है। बुधवार को जोधपुर में प्रजापत समाज ने प्रदेश में कम से कम 18 सीटें और संभाग में 3 से 4 सीटें दोनों पार्टियों से मांगी है और खुली चेतावनी भी दी है कि समाज के बेटे को टिकट नहीं तो पार्टी को वोट नहीं। प्रजापत कुमार कुमावत महासभा राजस्थान के उपाध्यक्ष अमरा राम कुमावत और अखिल भारतीय प्रजापत कुंभकार महासंघ के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष लूनचंद सिनावड़िया ने बताया कि राजस्थान में प्रजापत समाज 30 से 35 विधानसभा क्षेत्रों में हार जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन दुर्भाग्य है कि कांग्रेस और भाजपा दोनों ही राजनीतिक पार्टियां गत 70 वर्षों से समाज को गुमराह करके उनके वोटों से सरकार बनाकर अपने हित साधर रही है। उन्होंने बताया कि कोई भी विधानसभा क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां पर प्रजापत समाज को वोटर नहीं मिले। राजस्थान में सभी राजनीतिक पार्टियां प्रजापत कुम्हार समाज को केवल वोट बैंक समझती है और चुनाव के समय बड़े बड़े वादे कर बाद में मुकर जाती है। ये सही समय है जब कुम्हार समाज अपनी ताकत के साथ उपस्थिति दर्ज कराने के लिए तैयार है। उन्होंने बताया कि प्रदेश की जनसंख्या अनुपात के हिसाब से समाज को टिकट नहीं मिले तो समाज कठोर कदम उठाएगा, जिसका खामियाजा दोनों राजनीतिक पार्टियों को भुगतना पड़ेगा। जोधपुर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।